नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। तो मैं लगातार आपको बुलेट ट्रेन के अपडेट दे रहा हूँ, चाहे वो रेल मंत्री के द्वारा किए हुए ट्वीट्स हों या फिर किसी रेलवे मिनिस्ट्री के किए हुए ट्वीट्स हों। ये सारे ट्वीट्स मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं कंटिन्यू वो सारे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वीडियो सारे ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं। तो बुलेट ट्रेन का काम जिस कंपनी के अंडर में होना है, यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि NHSRCL, उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया है और वहाँ पे ये सारी जानकारी दी है कि कितना सीमेंट का यूज़ होगा, कितना स्टील का यूज़ होगा, तो ये सारी जानकारी दी गई है। और NHSRCL जो है वो लगातार जापान से मीटिंग कर रहा है इन सब के विषयों में कि जल्द से जल्द हम कैसे बुलेट ट्रेन को इंडिया के अंदर लेके आएँ। और जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और इसको लेकर के एक और ट्वीट आया है NHSRCL का कि 150 जो भूमि अधिग्रहण का काम कर लिया गया, यानी 150 लोगों से जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो पेपर वर्क जो है पूरा वेरीफाइड कर लिया गया है। तो ये थोड़े से अपडेट्स हैं, ये सारे ट्वीट्स हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। और NHSRCL ने एक वीडियो भी शेयर किया है, उस वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारियां दी हैं, तो सारी जानकारियां आपको एक एक करके हम बताते हैं। NHSRCL ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ये जानकारियां हैं कि टोटल जो डिस्टेंस होगी, यानी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की लेंथ होगी, वो 508 किलोमीटर होगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे और जिसकी स्पीड लगभग 320 किलोमीटर तक रखी जाएगी। और इसमें 463 जो है ओवर ब्रिज रखे जाएंगे, 27 स्टील ब्रिज रखे जाएंगे, और इसमें जो ब्रिज का काम होगा, यानी कि ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्रिस क्रॉस होगा, यानी कि कुछ जो है केबल ब्रिज यूज़ होंगे ताकि काफ़ी स्ट्रांग रहें और लंबे समय तक चलें और अर्थक्वेक में जो बुलेट ट्रेन को प्रोटेक्शन दे सकें। अगली चीज़ शेयर की है कि 8 माउंटेन टनल्स होंगी, यानी कि पहाड़ों के बीच से जो टनल्स निकलेंगी, कम से कम वो इतने डिस्टेंस यानी 508 किलोमीटर के अंदर 8 जो ऐसी टनल्स बनाई जाएंगी, और कुछ टनल्स जो होंगी वो अंडरग्राउंड होंगी, और टनल्स की जो ऊंचाई है लगभग 13.2 मीटर के आसपास रखी जाएगी। और इसी को लेकर के साथ में एक छोटी सी जानकारी और शेयर की गई है कि 8 जो है मेंटेनेंस हाउस बनेंगे, यानी कि बुलेट ट्रेन के जो मेंटेनेंस हाउस है वो 8 बनाए जाएंगे इतनी डिस्टेंस के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की गई है वो ये शेयर की गई कि इसके अंदर 75 लाख टन का सीमेंट का यूज़ होगा, यानी कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन में, साथ ही साथ 21 लाख टन जो है स्टील का इस्तेमाल होगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और साथ ही में NHSRCL ने एक और ट्वीट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीट में लिखा हुआ है कि 150 जो है लैंड का काम खत्म कर लिया गया है। यहाँ पे NHSRCL का ऑफिशियल ट्वीट है, यहाँ पे NHSRCL लिखती है कि महाराष्ट्र के पालनघर जिले में 150वां भूमि बिक्री समझौता किया गया, यहाँ 150वां भूमि बिक्री समझौता केलवे गांव में किया गया, साथ ही पालनघर तालुका के पढ़ेंगे और बिरथान गुर्द गांव में सार्वजनिक विचार विमर्श बैठक में परियोजना से संबंधित पात्रता मैट्रिक्स को विस्तार से समझाया गया। और साथ में कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर किए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो कुछ फोटोज हैं ये सब शेयर की गई हैं। और साथ ही साथ जो हमने आपको बेसिक जानकारी बताई उसका ट्वीट आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का द्वारा ट्वीट किया गया है, सारे ऑफिशियल अकाउंट हैं। NHSRCL ने एक और ट्वीट करके लिखा है, यहाँ पे लिखा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से 75 लाख टन सीमेंट का उपयोग होने की उम्मीद है, जो सीमेंट उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा देगा। उस परियोजना के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाएंगी जिसके लिए एक उपयोगिता की आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये एक ऑफिशियल ट्वीट NHSRCL के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ में NHSRCL ने एक और चीज़ें शेयर की हैं कि जब हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, यानी कि सब चीज़ें कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी, तो उसके साथ साथ जो है हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाएंगे, यानी कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को। और कोई भी नई परियोजना किसी भी देश के अंदर आती है तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को, कई सारे लोग जो बेरोजगार, उनको काम मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि धीरे धीरे जो इंडिया है वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव ऑन करेगा। तो इसी के संदर्भ में NHSRCL ने एक और ट्वीट किया है, और ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है साफ साफ, कंडक्ट अ मीटिंग विद ऑफिशियल जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी एंड ईस्ट जापान रेलवेज कंपनी। सो इस तरीके से जो NHSRCL वो लगातार जापान से मीटिंग कर रही है इस विषय को लेकर के कि कितनी जल्दी हम इन चीज़ों को अपने इंडिया के अंदर रिलीज़ करें। तो ये कुछ अपडेट्स थे बुलेट ट्रेन को लेकर के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट होने वाला है। बस जो सबसे ज़रूरी काम है वो है भूमि अधिग्रहण का, तो वो काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये काम ख़त्म होता है वैसे ही जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम है वो जल्दी शुरू हो जाएगा और हमें जल्द ही बुलेट ट्रेन भारत के अंदर देखने को मिलेगी। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल थी जो कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे की गई। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ें बहुत सारी फेक हैं, तो ये ट्वीट्स मैं खुद नहीं करता है, ट्वीट ऑफिशियल लोगों के द्वारा किए जाते हैं और जो वो लोग शेयर करते हैं सिर्फ मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं बता रहा।
आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।